टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सतवीर चौधरी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। आज खेल मंत्री अशोक चांदना की मौजूदगी में सतवीर चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। गांव देहात से निकली एक ऐसी प्रतिभा जिसने राजस्थान विश्वविद्यालय में भी अपने नाम का डंका बजाया। जी हां, युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले और युवाओं के चहेते सतवीर चौधरी, जिसको अभी हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वाइस चेयरमैन के पद से भी सुशोभित किया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा युवाओं को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता हुआ दिख रहा है। क्या आने वाले समय में इसी प्रकार अगर युवा आगे बढ़ते रहे तो हो सकता है कि देश और राज्य एक खुशहाली के उस आंगन में पहुंच जाए जिसकी सब उम्मीद लगाए बैठे। अपने साथ जुड़े हैं सतवीर चौधरी, उनसे जानना चाहेंगे उनके जीवन के पहलुओं को कि किस प्रकार उन्होंने संघर्ष करते हुए गांव से निकलकर आज संपूर्ण राजस्थान में अपना नाम रोशन किया है। सतवीर जी, बात करें छोटे से गाँव से निकलकर किस प्रकार आपने संघर्ष किया और आज आपने ये मुकाम हासिल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी और तमाम हमारा नेतृत्व, उनको मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा। निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है। खेलों का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय आप देख रहे हो, जिस तरह से कंपटीशन का दौर चल रहा है। मुझे मुख्यमंत्री जी ने इस कम उम्र में जो जिम्मेदारी दी है, मैं निभाऊंगा, निश्चित रूप से उसको पूरा करूंगा। मैं भी ग्रामीण स्तर से जुड़ा हूं, किसान परिवार से आता हूं, गांव से आता हूं, तो जिस तरह की परवरिश हमारी रही है, मैं समझता हूं कि गांव का नौजवान जो है किस संघर्ष से अपने आप को इस काबिल बनाता है कि वो अपने गांव का, अपने समाज का और अपने कस्बे का नाम रोशन कर सके। और चूंकि मुझे खेल विभाग दिया है तो निश्चित रूप से इसमें युवाओं की सीधी भागीदारी रहती भी है और मैं सुनिश्चित करने का उसको काम भी करूंगा। पिछले समय में ग्रामीण ओलंपिक की एक जो प्रतियोगिता यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से चल रही थी, कोविड की वजह से वो नहीं हो पाई थी, लेकिन आपने देखा कि लगभग 26 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उस प्रतियोगिता में हुए। तो निश्चित रूप से गाँवों में खेलों के प्रति जागरूकता है, कृष्णा जी खेलों से जुड़ी हुई रही है, तो और मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ रहा हूँ, युवा आंदोलन से मैं निकला हूँ, तो निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ भी लेंगे और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जिलों में हम देखेंगे कि हमारा जो पदाधिकारी हैं, खेल संघ के पदाधिकारी हैं, उन सबको साथ लेके, उन सब से सामंजस्य बिठा के और आने वाले समय में एक स्कूलों में हम शुरुआत करेंगे कि स्पोर्ट्स की स्कूल खुले, इस विशेष रूप से जिलों में, प्रत्येक जिले में अगर स्पोर्ट्स की स्कूल होगी तो खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, जिससे कई प्रकार की नौजवानों में जो कुरीतियाँ हैं कि वो नशे की प्रवृत्ति जो है, एक स्कूलों में अगर वो खेल से जुड़ जाएगा तो वो निश्चित रूप से उससे दूर हो जाएगा। तो इस तरह का सामाजिक सुधार का हम काम करेंगे, पूरे प्रदेश में जन जागरण का अभियान चलाएंगे, जिलों वाइज जो है हम दौरा करेंगे और नौजवानों के जो अधिकार हैं, नौजवानों के जो खेलों को लेके जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उस पर राजस्थान सरकार जो है खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री जी का जो विजन है खेलों को लेके, जो वो चाहते हैं उसको लेके आगे बढ़ेंगे हम, और नए आयाम जो है आने वाले समय में आप देखेंगे कि राजस्थान में किस तरह खेलों को मिले हैं। क्या आगामी समय में बालिकाओं के लिए भी कोई विशेष प्रकार की खेल नीति या कोई खेल से संबंधित कोई कार्य प्रणाली की योजना है? जैसा कि मैंने कहा कि निश्चित रूप से पहली महिला अध्यक्ष कृष्णा पूनिया जी है, तो बालिकाओं को तो जब सरकार ने उनको अध्यक्ष बनाया है तो इसी सोच के साथ बनाया है कि आपस में सामंजस्य बैठे। जो हमारी छात्रा बहनें हैं, जो पूरे प्रदेश स्तर की बालिकाएं हैं, वो किस तरह से प्रदेश की पटल पे आके खेलों में अपनी प्रतिभाएं निखारें, तो उस दिशा में हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी भी प्रयास कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हो कि खेल जगत में एक बड़ा नाम राजस्थान का हो गया है उनके प्रयासों से, तो आप देखेंगे हम सब लोग मिलके
एक नई चीज लेके आएंगे राजस्थान में, और आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत जो रोजगार के जो जो सरकारी नौकरियां जो हमारे पदक विजेताओं को दिए, तो वो एक नई शुरुआत है अपने आप में। हरियाणा में ऐसा होता था, राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत जो है हमारे खिलाड़ियों को सम्मान दिया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये थे अपने साथ में सतवीर चौधरी, जो ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के पद को भी शोभित किया और आज राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वाइस चेयरमैन के पद पर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्हें बिठाया है, ताकि आने वाले समय में एक युवाओं के साथ मिलकर खेल जगत में संपूर्ण राजस्थान का नाम रोशन कर सके। सहयोगी कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ में ओम प्रकाश चौधरी, टीपीवी न्यूज़, जयपुर।